आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी नेता नारायण राणे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा यह किया है कि सुशांत की हत्या हुई है। उन्होंने इस मामले में सूरज पंचोली का नाम लिया है और जिस पर आज तक से बातचीत में सूरज पंचोली ने सफाई दी। सूरज पंचोली ने कहा कि वो दिशा सालयान को नहीं जानते और उनके घर 13 जून को कोई पार्टी नहीं हुई थी, जैसा कि नारायण राणे कह रहे हैं। तक पर एक्सक्लूसिवली हैं सूरज पंचोली। सूरज, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में, बीजेपी के लीडर हैं नारायण राणे, उन्होंने भी ये बोला कि एक पूछा जाना चाहिए कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे, क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे, क्या पार्टी हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, बॉलीवुड के कौन कौन थे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था, मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी, ठीक है। एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है, मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहां पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं, आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। ओके, द पुलिस आर अवेयर ऑफ मी नॉट बीइंग इंक्लूडेड और मी नॉट बीइंग अटैच्ड टू दिस केस। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। आई डोंट नो व्हाई मुंबई पुलिस इज शट अबाउट दिस, दे शुड बी सेइंग समथिंग अबाउट दिस। आई डोंट केयर व्हाट मिस्टर नारायण राणे इज सेइंग। ओके, Did Sushant's family say this? Is my first question. Did Sushant's father say this? Did Sushant's sister say this? Did Sushant's relatives say this about me, that I had anything to do with Sushant? Ke mera kya lena dena tha uske saath? I have been facing this humiliation for the past 8 years from my case now being attached to Sushant's case. Kyun? Why? I don't know why. Because these people who are talking about me and these big news channels who are naming me, what proof do they have? I have been in court since I was 21 years old. Today I am 29. Since 8 years I have been trying to fight my battle in court legally. I have won 2 defamation cases against Rabia Khan, but she's sitting in London, is still giving interviews, but she has no courage to show up in court and fight the case against me. It is very unfair. I have had sleepless nights because of this. It's been 8 years. I am still struggling in this industry. Let me say it clearly. I still am. I am no Shah Rukh Khan's son. Yes, my father is a part of the industry. He had his time, but now it is my battle by myself. I don't have this kind of support people think I do. Yes, Salman sir did launch me, but after that it was up to me to prove myself in the industry. But these people don't let me prove it because they have ruined my image, they have humiliated me, they have humiliated my family, they have sabotaged my image since the past 8 years, and now they are dragging me into Sushant's case for no reason. I have never met that Disha Salyan in my life. May her soul rest in peace. Suraj, I have never met her in my life. एक काम करते हैं, पहले पीछे चलते हैं। आप बोल रहे हैं पहली बात जो नारायण राणे बोला कि सूरज पंचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था। आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? क्या आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़ के बता रहे हो कि ये इस पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कि सम थर्ड पर्सन हु इज फ्रस्ट्रेटेड एट होम राइटिंग अ व्हाट्सएप मैसेज एंड सेंडिंग इट टू
टुडे यू नो व्हाट द व्हाट्सएप मैसेजेस आर. ये व्हाट्सएप मैसेज की मैं बात करता हूँ, आप सही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत थोड़ा मिलता जुलता है व्हाट्सएप मैसेज से. उन्होंने बोला कि दिशा सालियान जो थी, जो अलेजेडली सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, प्रेस में आया जब वो यू नो शी पास्ड अवे, वो बोल रहे हैं उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ. व्हाट्सएप मैसेज में ये चल रहा है कि सूरज पंचोली उसके पीछे है उनके रेप मर्डर के, और एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया. और ये बात दिशा ने सुशांत को बता दी थी, और सुशांत पब्लिक जाना चाहता था या इस बात से यू नो बहुत ज्यादा. मैं आपको बताता हूँ ये कहां से शुरू हुआ. ठीक है, फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ. ओके, पुनीत वशिष्ठ इज एन एक्टर, ही हैज डन अ कपल ऑफ फिल्म्स बिफोर. आई कीप सीइंग हिम इन जुहू बिकॉज आई यूज्ड टू लिव देयर अर्लियर. ओके, आई मीन इवन इफ यू क्रॉस जुहू एवरी आफ्टरनून और इवनिंग यू विल सी हिम आउटसाइड नेक्स्ट टू द मैरियट होटल और व्हाटएवर. ओके, रोमिंग अराउंड. सो बेसिकली दिस जेंटलमैन हैज written a big article on his Facebook. Okay, so he has written a 9-point synopsis where he has claimed in his head how he thinks this must have taken place. जहाँ पे उसने बोला सूरज का relation था दिशा से, सूरज ने दिशा को pregnant किया, उसके बाद सुशांत को पता चला, फिर ये वो whatever it is. That is when I got scared. I'm like, what is this? Where is this entire article from Facebook going to? Leading news journalists are carrying this, leading papers, leading news anchors are talking about it. From a Facebook post, you take it to the biggest or one of the biggest channels on India, news channels on India. Is that how poor the journalism has become right now? अच्छा सूरज, आप हमारे आज तक के दर्शक भी देख रहे हैं तो आप हिंदी में एक बार बताएं. हाँ. पुनीत वशिष्ठ एक आदमी थे जो आप देखो, पुनीत वशिष्ठ ने आपके अगेंस्ट ऐसा क्यों लिखा? कोई आपकी दुश्मनी थी? उनसे कोई दुश्मनी नहीं है. ठीक है, ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है. उन्होंने ये मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है. सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है. ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उसे एक दो बार मिला हूं मैं. एंड माई रिलेशन विथ हिम वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं. हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई ऑफिस में मिले हो तो हमने हमेशा हाय हेलो किया है. वहां से मेरी और सुशांत की थोड़ी दोस्ती हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मुझे उसकी फिल्म स्क्रीनिंग्स पे भी बुलाया है. तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं. मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में. तो मैंने उसका क्लेरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी. मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते हैं, मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर. आई एम मच यंगर, ही कॉल्स मी लिटिल ब्रदर. वी हैव नेवर वर्क टुगेदर एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल नेवर हैव अ चांस टू वर्क टुगेदर नाउ, बट ही रिस्पेक्टेड मी एंड आई रिस्पेक्टेड हिम टू एज माय सीनियर, एंड दैट्स अबाउट इट. दिशा, एक मिनट दिशा, मैं सुशांत की बात पूरी करूंगा, दिशा पे वापस आते हैं. दिशा सालियान को क्या आप जानते थे, कभी मिले थे? आपने मुझे बताया कि भाई मैं इसलिए बचा हुआ हूं जब हमने बात करी, इंटरव्यू की. हाँ. और आप बहुत घबराए हुए भी थे कि यू नो बड़े 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 नाम है, लेकिन अगेन आपने ट्रस्ट किया आज तक और इंडिया टुडे पे. लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे बोला कि मैं इसलिए बचा हुआ हूँ सुशांत की, ना मेरी उस दिशा के साथ कोई फोटो है, ना ही मैंने उसको कभी फोन किया था, दैट्स व्हाई दे कांट प्रूव, और वो मुझे फंसा भी नहीं सकते. देखो, ये जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, I challenged them today. Nor has she ever contacted me, nor have I ever contacted her, nor have I ever met her in any place. Now they have taken my friend Sonakshi Raj's photo. Okay, I have a photo with Sonakshi, who's my friend.
दे हैव मेड दैट फोटो इनटू सूरज एंड दिशा सलियान फोटो. मेरी कभी ना दिशा से इंटरेक्शन हुई है, ना कभी बात हुई है, ना कभी मुलाकात हुई है, ना कभी कोई कनेक्शन बना है, ना मेरी दिशा से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके कभी कोई रिलेटिव्स. मैं जानता ही नहीं हूं या जानता ही नहीं था कि दिशा सलियान कौन है. और इस बीच सुशांत मामले की जांच करने को सीबीआई तैयार है, तो ईडी भी पूरे एक्शन में है. आज रिया के सीए से पूछताछ होगी, जबकि कल यानी कि 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने होगी. साथ ही साथ आपको यह भी बताता चले कि मुंबई के अपार्टमेंट में रिया वापस लौट आई है, क्योंकि कुछ दिन से वो वहां पर नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है, सीबीआई जांच को लेकर कुछ अलग आदेश देती है, ये जब होगा तब होगा. फिलहाल तो सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए सीबीआई पूरी तरह. बुधवार को केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली. केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. सीबीआई के मुताबिक उसे नोटिफिकेशन मिल भी गया और वो सुशांत केस की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुट गई है. पूरा देश समझ रहा था कि यही होना, ये तो होना ही है. सब लोग समझ रहे थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक्शन हुआ है, तो देश के लोगों में, सुशांत के चाहने वालों में एक अच्छा संदेश गया है कि अब और उम्मीद जगी है लोगों की कि निश्चित रूप से, और सीबीआई की तरफ भी मामला गया हुआ है, तो निश्चित रूप से जांच अब पुख्ता होकर के आएगा. सुशांत सिंह की मौत के केस में सीबीआई के एक्शन में आने का अभी इंतजार है, तो दूसरी तरफ केंद्र की एक और एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है. ईडी ने सुशांत के परिवार के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पहले ही दर्ज कर लिया है और सुशांत के खातों से करोड़ों की रकम इधर उधर होने की जाँच कर रही है, जिसका सीधा आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर है. ईडी ने रिया को समन भेजकर 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है. उससे पहले आज रिया के सीए से ईडी पूछताछ करेगी और कल यानी बुधवार को ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन का शक जाहिर करते हुए दोनों मामलों की एक साथ सीबीआई जांच की मांग की गई है. नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अभी तक दिशा की मौत में किसी गड़बड़ी के होने से इनकार करने वाली मुंबई पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो साझा करें. उधर ईडी के बुलावे पर रिया चक्रवर्ती मुंबई में अपने प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले घर में लौट आई हैं. कई दिनों से उनका कोई पता नहीं था. मुंबई से देवेश और सुजीत झा, मुस्तफा शेख और दिल्ली से मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो. रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.